खबर बांदा जनपद से है, जहां बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की रहने वाली एक महिला खेत में घास लेने के लिए गई हुई थी। तभी वहां मौजूद अज्ञात बदमाशों ने महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी और कान गले व नाक से सोने के जेवर रात निकाल लिए। जैसे ही परिजनों ने देखा कि देर शाम महिला घर नहीं आई है तो खोजते खोजते खेत उसके पास पहुंचे तो वहां पर उसका शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां रहने वाली महिला चिंता देवी पत्नी रामा पटेल उम्र 46 वर्ष अपने घर से गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे खेत घास लेने के लिए गई हुई थी। जब शाम को वापस नहीं आई तो परिजनों ने मोहल्ले व आसपास में खोजबीन की। जब वह नहीं मिली तो खेतों की तरफ वह गए, जहां चिंता देवी का शव ईंट से कुचला हुआ पड़ा मिला। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, पुलिस क्षेत्राधिकारी सियाराम, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस घटना का सुराग इकट्ठा करने में जुटी हुई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बांदा जनपद से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। ये घटना हुई है बड़ा गांव में, क्या घटना हुई है? ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है जो असहनीय है। बड़ा गांव में मेरी बहन ब्याही थी। मेरी बहन का नाम है चिंता देवी और मेरे जीजा का नाम है श्री रामा पटेल। तो बहुत ही कृषक परिवार थे, बहुत ही शांत प्रिय परिवार थे। उनका कोई किसी से विवाद नहीं था, कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन दिनचर्या के लिए जब खेत खलिहान में हरियाल लेने गई थी और जब समय से नहीं लौटी तो उन्होंने मोहल्ले में खोजबीन किया। इसके बाद खेत खलिहान में गए तो जब देखा कि वो मृत अवस्था में है और चोटें बहुत सारी हैं उसको, और तो मुझको तत्काल सूचना दी। हमने तत्काल एसओ बिसंडा और सीओ बबीरू सहित एडिशनल एसपी और कप्तान साहब से निवेदन किया। मौके पर ही लगभग 11:30 बजे मैं पूरी जांच टीम के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा अभिनंदन जी आए और रात में काबिंग करी, डेड बॉडी को भेज दिया पीएम के लिए। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पटेल जी हम 24 से 48 घंटे में इस कांड का खुलासा करेंगे। हमने भी निर्देश किया है कि कोई निर्दोष न फंसने पाए और दोषी किसी प्रकार से बख्शा न जाए। क्या ये लूट के इरादे से हत्या हो सकती है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अभी मेरे गांव भदीदू में एक लगभग एक हफ्ते पहले एक घटना हुई थी, उसका भी खुलासा नहीं हो पाया, वो भी लूट के कारण उनको मारा गया था। और इनके भी जो कान के झुमके थे, नाक के फूल थे, और तो इनको निकाल करके चोरी छीन कपके किए। हो सकता है वो पहचान गई हो, इसी इरादे से उन्होंने ईंट से मार मार के कुचल कुचल के मार डाला है और बहुत बेरहमी से मारा गया है, जो बहुत ही दर्दनीक घटना है। अब इसको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं। नाम है आपका? रामा। रामा, रामा। कहाँ रहते हैं आप? बड़ा गांव में। अच्छा, ये घटना क्या हुई है, पूरी बात बता। घटना ये हुई है कि ये गई खेत को अपने चारा लेने जानवर को, तो वहाँ पर जो है अब शाम तक इंतजार करते हैं कि शाम को आ जाएगी। शाम को जब नहीं आई तब फिर हम 8 बजे गए यहाँ से, तो वहाँ ढूंढा खेत में, तब वो जो है अपना मरी हुई पड़ी थी, किसी ने मार दिया था, मतलब सिर पे चोट के निशान है और कुछ दूर घसीटा भी वहाँ खेत में। अच्छा, क्या ये घटना को देखते हुए देखा जाता है कि कोई किसी से विवाद हुआ था क्या? हमारा कोई किसी से विवाद नहीं। तो ये घटना कैसे हो सकती थी? अब हम क्या बताएं कैसे हो गई? जेवर वगैरह पहने? हाँ, जेवर पहने थी, लुड़का पहने थी और नाक में फूल पहने थी। अच्छा, जब आप गए हैं तो जेवर थे? नहीं थे, नहीं थे। फिर क्या, किसको सूचना दी आपने? फिर हमने जो है अपने साले पीसी को फोन से बताया, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, तो शव को कहाँ भेजा? पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए बांदा चले गए। आपके आपकी कौन थी, पत्नी? हाँ, पत्नी थी मेरी। क्या नाम था? चिंता। आज हम लोग को लगभग 11 बजे रात में ये सूचना मिली कि बड़ा गांव में थाना बिसंडा में लगता है, वहाँ पर एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी है। तत्काल उस सूचना पर हम लोग मौके पर आए हैं, हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी है। सीन ऑफ क्राइम को देखने पर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये महिला चारा काटने यहाँ पर आई थी और फिर ईंट से इनके सर पे वार किया गया है, और जिस ईंट से वार किया गया वो भी इनकी बॉडी के बगल में मिला है। सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह से देखा गया है और इसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।